आ गया। ओए ये स्पाइडर कहाँ से आया? निकल। स्पाइडर तो गया एक एक स्पाइडर गया। ओहो ये मैं कहाँ पहुंचा? ओए एक दूसरा स्पाइडर है यार। आज ना मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि लास्ट के पार्ट में ना मुझे इतने अच्छे कमेंट्स आए कि मेरा दिल खुश हो गया यार। बहुत ही ज्यादा प्यार मिला मुझे यार। एक्चुअली मुझे व्यूज नहीं आए लेकिन मैंने कमेंट्स रीड किए और मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। लेकिन यार एक मिनट, ये देखो पीछे बारिश हो रही है, आगे रोशनी है और ऊपर बादल। ये क्या चल रहा है भाई? ये क्या चल रहा है? ऐसा अजीब सा मौसम मैंने पहली दफा देखा है। ये हो क्या रहा है? एक्चुअली हम कहाँ पे थे? देखो यार तुमने लास्ट के पार्ट में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया और तुम्हें पसंद आया मेरा स्टोरी वे में माइनक्राफ्ट खेलना, यानी कि मैंने कुछ नया किया और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो उसके लिए यार थैंक यू सो मच। इस वीडियो को भी इतना ही प्यार दो। तो यार लास्ट के पार्ट में मैंने पूछा था कि कौन से गोलेम तुम लोगों को चाहिए, तो तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गोलेम के नाम लिखे थे। तो सारे गोलेम तो ले नहीं सकते लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रूम्बा जिनसे सारे गोलेम मांगे जाएं। क्या ख्याल है? मज़ा आएगा। तो आज हम सारे गोलेम लेंगे रूम्बा जिनसे। तो चलो ये एपिसोड 2 है तो मज़ा आएगा। तो चलो नीचे चलते हैं। बाय द वे इसमें क्या है? इसमें है वीट और इसका हमें काम आएगा जब हम ब्रेड बनाएंगे। चलो क्या हुआ अब? फिर क्या हुआ अब? देखो यार पूरा का पूरा आसमान काला हो गया, एक भी सितारा नहीं है, एक भी सितारा नहीं है और बारिश भी हो रही है एक साइड। ओके तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने अभी क्या करेंगे? देखो हमें आज के पार्ट में जाना है रूम्बा जिन के पास और उससे सारे गोले मांगने हैं, और सारे गोले मिलेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को कम्प्लीट देखो यार। तो हम चलते हैं नीचे यार, और हमारा सारा काम हो गया है और सारी बातें मैंने भी कर ली। तो मैं जा रहा हूँ नीचे और सो जाते हैं और सुबह को हम जाएंगे बाहर। ठीक है तो चलो यार सो जाते हैं यहाँ पे। हेलो सर उठ जाएं प्लीज़। तो चलो सोते हैं। और ये सुबह हो गई। तो देखो यार आसमान भी पूरी तरह क्लीन हो गया है और सूरज भी निकल आया है, तो अब मज़ा आएगा। हेलो सर कैसे हो? अरे यार ये जवाब ही नहीं दे रहे। ठीक है अभी हमें क्या करना है? हमें जब अरे यार ये कहाँ से आ गए क्रीपर के बच्चे फिर से? अरे ये कौन पीछे तो मार रहा है यार? हिम्मत है तो पीठ पे क्यों मारो, सामने मारो ना। लास्ट टाइम भी बहुत ही ज़्यादा पिटाई की इन्होंने मेरी। अभी पता नहीं कौन कहाँ से मार रहा है यार, पता ही नहीं है मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा रूम्बा जिन है ना वो हमारी हेल्प करेगा, वो हम गोलिम लेके आएंगे और फिर देखना इन सब की बैंड बजाऊंगा मैं। ओके तो चलो हम रूम्बा जिन को बुलाते हैं। लेकिन कहाँ पे बुलाएं यार? अभी ये कौन मार रहा है, एरो कौन मार रहा है? नज़र नहीं आ रहा लेकिन एरो लग रही है मुझे, पता नहीं कहाँ से यार। अभी तक देखो हमारे पास तलवार वगैरह कुछ भी नहीं है, हमें लड़ने का फ़ायदा नहीं है। हमें सिंपल क्या करते हैं कि रूम्बा जिन को बुला लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा और सूरज की रोशनी निकलने दो, ये सारों को मरने दो, फिर हम। एक मिनट यहाँ पे क्या है? ओहो हो ये नीचे कुछ क्ल्यू व्ल्यू तो नहीं है? अरे यार ये कहाँ से आ रहा है पागल? अभी मता, मुझ पर अटैक हो गया और मेरे पास तलवार वगैरह कुछ भी नहीं है। ये तीनों एक साथ मेरे पर अटैक कर रहे हैं। मैं क्या करूँ? नहीं, निकलो यहाँ से, अभी निकलो यार। अभी इनसे लड़ने का फ़ायदा ही नहीं है, मैं मरना ही नहीं चाहता यार। चलो अभी एक काम करते, अंदर जाते हैं और वेट करते हैं इनका। एक मिनट इसमें क्या है? इसमें मुझे ब्रेड मिला, चलो अच्छा है। वैसे अगर हमें क्राफ्टिंग टेबल मिल जाती है तो हम कुछ ना कुछ कर लेते। अरे नहीं यार एक मिनट, मेरा सामान तो नहीं खोया यार है? ये क्या हुआ? मेरा सारा सामान यहीं पे, मैं मरा ही नहीं हूँ। वाओ ये क्या हुआ पता नहीं। एक मिनट ये क्या है? ओ माय गॉड, ओहो ये देखो, ये गोलिम का कलर चेंज हो गया है, वाओ। ओहो मेरे मरने के बाद पता नहीं क्या क्या हो गया यार यहाँ पे। और कोई गोलिम है आसपास जिसका कलर चेंज हुआ हो? एक ही गोलिम था उसका कलर चेंज हो गया है। अभी मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल मिल जाए, मुझे एक तलवार बनाने दो, फिर देखना जो भी ज़ोंबी आता है उसकी बैंड बजाऊंगा। तो क्राफ्टिंग टेबल तो कहीं पे भी नहीं है यार। एक काम करते हैं कि एक मिनट, एक यहाँ पे भी गोलिम है। ओए गोलिम, ये वही वाला गोलिम है। ये देखो ये है क्या चीज़ ये किस चीज़ का बना है पता नहीं।
एक काम करते हैं, देखो हम रुम्बा जिन को बुला ही लेते हैं यार। तो रुम्बा जिन को बुलाने का एक तरीका है जिसको कहते हैं एक मंत्र, और वो मंत्र है आद पाद, किसने मारा सबसे बड़ा पाद, रुम्बा जिन हाजिर हो जाओ। नहीं आया, एक मिनट फिर से बोलता हूँ। आद पाद, किसने मारा सबसे बड़ा पाद, रुम्बा जिन। अरे आजा भाई। ये क्या हुआ, लगता है वो आने वाला है। ओए रुम्बा जिन, देखो हमने डिसाइड कर लिया है हमें कौन से गोलिम चाहिए। हमें चाहिए सारे गोलिम, सारे के सारे, जितने भी तुम बना सकते हो वो सारे हमें गोलिम चाहिए। बताओ वो गोलिम कहाँ पे हैं, मुझे सारे गोलिम चाहिए। अरे कुछ तो बोलो। ओए खलील, तेरे नखरे क्यों कम नहीं होते, तुम्हें सारे के सारे गोलिम कैसे दे दूँ। एक काम करो, सारे गोलिम ले लो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक पजल सोल्व करना पड़ेगा। तुम ढूंढो ऑरेंज कलर को और उसका पीछा करो और तुम्हें सारे गोलिम मिल जाएंगे। अरे यार ये क्या बात हुई यार, हमें एक पजल सोल्व करना पड़ेगा तभी हमें सारे गोलिम मिलेंगे। अब ये पजल पता नहीं क्या होगा यार, एक तो ये एक तरफ से बारिश हो रही है, एक तरफ से रोशनी है, पता नहीं क्या चल रहा है आजकल मौसम को, पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन देखो रुम्बा जिन का कहना है कि अगर हम ऑरेंज कलर का पीछा करेंगे तो हमें सारे गोले मिल जाएंगे, तो ऑरेंज कलर तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। एक मिनट, इसके पास ऑरेंज कलर नहीं है, ये तो नहीं है ऑरेंज कलर। वैसे यहाँ पे एक मिनट, ये ऑरेंज कलर है क्या? नहीं, ओए ऑरेंज कलर का ये नहीं, ये ब्राउन कलर का गोलेम है। ओए गोलेम, नया गोलेम आया है, ये बार बार नए नए गोलेम आते जा रहे हैं। ओए कौन मार रहा है? अरे गोलेम इसको, स्पाइडर को मार। देखो ये गोलेम स्पाइडर को नहीं मारता है, एक गोलेम व्हाइट वाला गोलेम है, आयरन वाला गोलेम है, वो क्रीपर को नहीं मारता। पता नहीं क्या चल रहा है। अरे बच गया। अभी देखो रुम्बा जिन की बात तो माननी पड़ेगी, हमें ऑरेंज कलर का पीछा करना पड़ेगा। अब ये ऑरेंज कलर कहाँ पे मिलेगा? ये देखो ऑरेंज कलर मिल गया मुझे। एक मिनट, ये कौन पीछा रहा है? एक मिनट रुचा, ये ऑरेंज कलर मिल गया। मेरे पास तलवार नहीं है, मैं कैसे लड़ूं। ओए बासुन घर जा, ये मार देंगे तुझे, घर जा जल्दी घर जा। हम तेजी से भागते हैं और ऑरेंज कलर का पीछा करते हैं। यार मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और देखो मुझे क्या मिला है। वो वहाँ पे एक नेदर पोर्टल है। नेदर पोर्टल में जाने का क्या ख्याल है, जाऊँ कि नहीं जाऊँ? एक्चुअली उसके अंदर कुछ होगा नहीं, एक्चुअली हमें तो पजल सोल्व करना है, हमें तो ऑरेंज कलर का ही पीछा करना होगा, तो नेदर पोर्टल को अभी के लिए छोड़ दो। तो ये ऑरेंज कलर मुझे लेके आया नेदर पोर्टल के पास, और दूसरा ऑरेंज कलर अगर हुआ तो ठीक है उसका पीछा करेंगे, वरना हमें नेदर पोर्टल के अंदर जाना पड़ेगा। और मुझ पे बहुत ही अटैक हो रहे हैं यार, मैं क्या करूं, यहाँ पे तो गोलेम भी नहीं है जो बचाएगा मुझे, रुम्बा जिन तो नहीं बचाएगा, वो बहुत ही खड़ूस है। तो एक मिनट यार, ये चल क्या रहा है? अभी बारिश हो रही थी, अभी देखो सूरज भी निकल आया। एक तरफ बारिश होती है, एक तरफ सूरज निकल आता है, एक तरफ अंधेरा होता है, एक तरफ बादल होते हैं, पता नहीं चल क्या रहा है मौसम के साथ। अभी ये सारे अपनी मौत खुद मर गए, हमसे पंगा ले रहे थे पागल कहीं के, इनको पता ही नहीं हमारे पास एक जिन ने, हमारे पास एक जिन ने, इनको पता ही नहीं है। तो चलो अभी देखो हमने आसपास देख लिया है और कहीं पे भी हमें दूसरा ऑरेंज कलर नज़र नहीं आया, तो एक काम करते हैं कि क्यों ना नेदर पोर्टल के अंदर चली जाते हैं। ठीक है, नेदर पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और फिर से अंधेरा हो रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ है यार, यहाँ पे मौसम का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओके निकलो 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 जल्दी 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 जल्दी। ओ नहीं, मुझ पे अटैक हुआ। अभी दिन था, अभी बारिश थी, फिर दिन था, अभी रात भी हो गई है यार, ये मौसम के साथ पता नहीं क्या चल रहा है, और मुझे नेदर पोर्टल के अंदर जाना है। नेदर पोर्टल के अंदर क्या होगा मुझे डर लग रहा है, लेकिन क्या करूं, मुझे जाना तो होगा। जल्दी से जाते हैं अंदर, जल्दी जल्दी जल्दी, देर नहीं करना जल्दी। और ये मैं अंदर गया, और ये
आ गया। ओए ये स्पाइडर कहाँ से आया? निकल। स्पाइडर तो गया एक एक स्पाइडर गया। ओहो ये मैं कहाँ पहुंचा? ओए एक दूसरा स्पाइडर है। ये दो स्पाइडर कहाँ से आ गए? और ये नेदर पोर्टल पर नहीं, अजीब से मैं पहुंच गया हूँ। अबे जाना ये पीछे से अटैक ही ना कर ले यार। ओके यहाँ पे क्या है? एक मुझे मिला वाटर बकेट। इसका मतलब पता है हम लावा के ऊपर ना वाटर डाल के ना हम आराम से आगे जा सकते हैं। तो आराम सा पजल है, छोटा सा पजल है ये रूम्बा जिन ने हमें दिया है इतना आसान सा पजल दिया है हमें। तो सिंपल क्या करना है कि यार देखो ऊपर से अगर पानी छोड़ेंगे तो लावा होगा ना वो हो जाएगा वापस से कब्लस्टोन में कन्वर्ट, और फिर उससे चलते हुए हम एक ये क्या हुआ? ये क्या हुआ यार? वो पानी किधर गया? हमने सही तो डाला था यार। एक मिनट आगे भी एक है चेस्ट। यार ये पानी हमारा चला गया यार। लावा में पानी डालने से कबल स्टोन बन जाता है यार। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। और हम अगर इसको ले लें और दूसरी तरफ जाएं तो क्या ख्याल है, जा सकते हैं? एक मिनट ये मिल गया मुझे। और ये देखो यार ये इसको तो हम नहीं ले सकेंगे। कबल स्टोन के लिए हमें कोई ना कोई पिकेक्स चाहिए वरना इसको नहीं ले पाएंगे। मैं क्या करूं? मिल जा प्लीज़ मिल जा, हमें दूसरी तरफ जाना है। नहीं मिला। अगर मैं दूसरी तरफ गया तो यहाँ से अगर दूसरी तरफ गया तो मैं वापस चला जाऊँगा। मैं क्या करूं? अरे ओके नहीं गया नहीं गया। इसके अंदर क्या? ओ मर गया। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वाटर बकेट मिला है, थैंक्स गॉड। इस बार हमें गलती नहीं करनी। देखो लावा के नीचे हमें पानी नहीं छोड़ना, हमें लावा के थोड़ा ऊपर पानी छोड़ना होगा। एक काम करता हूँ कि यहाँ पे छोड़ता हूँ। यार ये चल क्या रहा है? एक मिनट, इसका मतलब हम नेदर पोर्टल के अंदर पानी छोड़ ही नहीं सकते। यार ये रूम्बा कितना डैश इंसान है यार। डैश इंसान नहीं है वो जिन्न है। रूम्बा कितना चालाक जिन्न है यार, कितना समझदार जिन्न है। उसने एक अजीब सा पजल छोड़ दिया यार हमारे बीच। मेरे पास सैंड है और मेरे पास है दो चेस्ट। अगर मैं चेस्ट के जरिए आगे जाऊँ एक मिनट बैठ के, लेकिन अभी भी मुझे कुछ ना कुछ चाहिए वहाँ तक जाने के लिए। तो सैंड है हमारे पास 3 जो मैं बाहर से लेकर आया। वैसे ये चीटिंग होती है लेकिन मैं फिर भी बाहर से लेकर आ गया। तो ये मैं पहुंच गया फाइनली। रूम्बा जिन ने क्या पजल छोड़ा था लेकिन फिर भी देखो हम पहुंच गए। हमसे पंगा ले रहा था। और यहाँ पे हमें मिला डायमंड की पिकेक्स, वाओ। तो अभी देखो अभी तो ईजी हो जाएगा क्योंकि हम ये कबल स्टोन को तोड़ सकते हैं और आगे जा सकते हैं। अभी आगे पजल मुश्किल नहीं है, बस ये बकेट वाला पज़ल मुश्किल था। और अभी भी हमने वो बकेट वाला पज़ल सोल्व नहीं किया क्योंकि हमारे पास सैंड पड़ी थी और सैंड बाहर से लेकर आया तो वो चीटिंग होती है। तो उसके अलावा अगर सैंड नहीं होती तो हम कैसे करते? एक मिनट ये क्या हो रहा है? तो यार अगर सैंड हमारे पास नहीं होता हम कैसे करते? मैं भी अभी भी सोच रहा हूँ कि कैसे करता, पता नहीं कैसे करता। लेकिन चलो पज़ल तो सोल्व हो गया लेकिन चीटिंग करके तो हम दूसरी तरफ पहुँच गए। कमेंट्स करके बताओ अगर हमारे पास सैंड नहीं होता तो हम दूसरी तरफ कैसे जाते, कमेंट्स करके ज़रूर बताओ। ठीक है तो ये मिला मुझे कम पम्पकिन रेडस्टोन फेदर और पेपर वगैरह मिला। इसका पता नहीं क्या होगा, ये हमारा काम आएगा आई थिंक गोलेम को बुलाने के लिए। तो यहाँ से भी कुछ कबलस्टोन ले लेते हैं और फिर जाते हैं अगले नेदर पोर्टल के अंदर, क्योंकि ऊपर भी एक नेदर पोर्टल है तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा। ऊपर नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। तो ये सारा कब्लस्टोन तो ले लो और चलो चलो यहाँ से वापस दूसरी तरफ निकलते हैं। इसको रखो और इसको रखो। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे नेदर पोर्टल के अंदर क्योंकि हमने यहाँ पे जो कुछ था हमने ले लिया। वैसे हमें वापस जाने की ज़रूरत है कि नहीं है पता ही नहीं है। मैं यहाँ से अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ पहुँचता हूँ। अभी मैं पहुँचूँगा बाहर। ओके ये कौन सी जगह पे पहुंच गया हूँ? यहाँ पे कुछ ना कुछ है। एक मिनट वहाँ पे एक चेस्ट है। तो इस चेस्ट के अंदर क्या होगा? इस चेस्ट के अंदर वाओ, इसके अंदर हमें ब्लॉक्स मिली हैं, सारी ब्लॉक्स मिली हैं सारे गोलेम्स की। जो हमारे पास मेन्यू था ना वो सारे गोलेम की हमें ब्लॉक्स मिली हैं। इन सब का गोलेम मैं बना सकता हूँ, इन सब का गोलेम बनाऊंगा यार, मज़ा आएगा। लेकिन हमारे पास चेस एक ही है, आई थिंक चेस की गोलेम नहीं बना सकते क्या, पता ही नहीं है यार। एक काम करो इन सब को ले लेता हूँ और फिर इनको गोलेम में कन्वर्ट करेंगे, मज़ा आएगा यार।
पता नहीं कौन कौन से गोले मैं देखने वाला हूँ, जो गोले मैं आज तक तुमने देखे नहीं होंगे वो भी गोले मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। और सच कह रहा हूँ, मैंने खुद नहीं देखा अभी तक कौन से गोले में ये। तो चलो इन सब को ले लिया और जो काम की चीज़ें हैं उनको लेके चलते हैं, और बाकी जो काम की चीज़ें नहीं हैं उनको छोड़ के चलते हैं। अभी मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा, मुझे आई थिंक मुझे वापस नेदर पोर्टल के अंदर जाना होगा। तो नेदर पोर्टल के अंदर जाने से बेहतर है कि एक मिनट, वहाँ पे सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, वहाँ पे सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो मतलब हमें वहाँ पे जाना होगा। ओके, ये कोई पजल है यार, ये तो बच्चों का खेल था। तो चलो अभी वापस सीढ़ियों की तरफ चलते हैं, अभी पता नहीं क्या होने वाला है। अभी मुझे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कब्रिस्टोन इकट्ठा करनी है ताकि मैं ऊपर तक जा सकूँ। तो चलो चलें चलो चलें चलो चलें चलो चलें चलो चलें चलो चलें चलो चलें। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा कब्रिस्टोन इकट्ठा हो गया है, तो सिंपल हमें अभी ऊपर जाना होगा। तो चलो ऊपर चलें। चलो देखो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा गोलेम होंगे और मज़ा आएगा यार गोलेम बनाने में, बहुत ही ज़्यादा। और सारे गोलेम मैं बनाऊंगा, सारे के सारे गोलेम बनाऊंगा और सबको लड़वाऊंगा भी सही। देखते हैं उनकी लड़ने की क्या क्या पावर है उनके पास, देखेंगे। ठीक है, मज़ा आएगा। अभी तो चलो चलें। देखो अभी ये है वो सीढ़ियाँ, और ये पता नहीं कहाँ लेके जाएंगी हमें। अभी कबल स्टोन इकट्ठा करके ऊपर की तरफ, एक मिनट ये लावा को तो बंद कर दो, ये वापस खाम का हमारे टांगों में लगी ना जाए। ये कितना ऊपर जा रहा है यार, ऊपर क्या है, पता नहीं क्या ऊपर है, अभी जाके देखना पड़ेगा ऊपर क्या चीज़ है। आई होप कोई जाल ट्रैप व्रैप ना हो, ट्रैप नहीं होना प्लीज, ट्रैप नहीं होना प्लीज, ट्रैप नहीं होना। और मैं ऊपर जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, जल्दी पहुँच जा पहुँच जा पहुँच जा पहुँच गया, और पहुँच गया पहुँच गया। ओए आसमान में पहुँचाऊँ क्या? तो ये मैं आ गया बाहर। वाह, मतलब हमारे पास जो गोलेम वाली जो जो चीज़ें थी वो सारी लेके हम बाहर आ गए हैं। अभी यहाँ पे हमें गोलेम बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे गोलेम बनाने पड़ेंगे, लेकिन अंधेरा है अभी, गोलेम तो बना भी नहीं सकता। मेरे पास ना क्राफ्टिंग टेबल है ना मेरे पास बाकी चीज़ें हैं, मुझे वापस जाना है यार। अभी अभी लड़ना भी नहीं चाहता मैं, अभी लड़ना भी नहीं चाहता। और गोलेम कैसे बनाते हैं वो भी मुझे देखना पड़ेगा। निकलो 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 निकलो, हमारे पास गाइड है, मेन्यू है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कौन सा गोलेम कैसे बनाना है, तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा। अभी मौसम भी अजीब हो रहा है यार, अरे मर जाना बस। तो यार मुझे लगता है अपने गेम को भी यही एंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबी गेम बन गई है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम सारे गोलेम बनाएंगे, एक एक गोलेम को हम मेन्यू से देखेंगे, गाइड से देखेंगे, और उसके बाद उन सबको बनाएंगे। ठीक है, तो मज़ा आएगा मुझे। और आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई है, तो ये एपिसोड 2 था, और एपिसोड 3 लास्ट एपिसोड होगा, तो उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब कर दो यार हमारे चैनल आई एम खलील को, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। बेल आइकन ज़रूर दबाओ क्योंकि एपिसोड 3 भी आने वाला है, वो भी कल, और सबसे पहले तुम्हें पता चल जाएगा, तो बेल आइकन ज़रूर दबाओ। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, बाय।